ये है जनाब हमारी लबे शीरी की फाइनल लुक। देखें कितनी अच्छी इसकी लुक आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। कलर कलर देखें इसके ऊपर कितने अच्छे लग रहे हैं, कितने मज़े की बन के ये रेडी हुई है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राबिया और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल किचन विद राबिया। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए लबे शीरी की रेसिपी। है किसी की फरमाइश में हम बना रहे हैं, उनकी रिक्वेस्ट आई थी कि लबे शीरी बनाना सिखा दें, तो हम उनकी रिक्वेस्ट पे बना रहे हैं। सबसे पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। ये है मेरे पास जेली, ये दो फ्लेवर्स में मैंने लिया है, कि ये येलो है और एक ये रेड है। ठीक है, आपको जौन सा फ्लेवर भी पसंद हो आप उस फ्लेवर में ले सकते हैं। ये मैंने येलो और रेड लिया है। ठीक है, ये मेरे पास रंगीन सेवैयाँ हैं, कलरफुल, ये इजीली मिल जाती है मार्केट से। ये मेरे पास बादाम है कुछ, ये कुछ किशमिश है मेरे पास। ये मैंने बनाना कस्टर्ड लिया है, आप कोई भी ले सकते हैं जिस फ्लेवर में आपको पसंद हो। ठीक है, ये है मेरे पास कॉकटेल, ये इजीली मार्केट से मिल जाता है, मिक्स फ्रूट होते हैं ये। अगर आपको आपके पास ये ना हो तो आप फिर मिक्स फ्रूट हमारे मिल जाते हैं जो, वो आप ले सकते हैं। ठीक है, बनाना एप्पल जो भी आपको पसंद हो वो आप ले सकते हैं, फ्रेश भी। ठीक है, तो ये जब मैं कॉकटेल लेके आई थी तो मुझे साथ ये मिला था, ये देखें छोटा सा कांटा, तो मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये देखें कितना छोटा सा है, तो इसे आप इंजॉय कर सकते हैं। आइसक्रीम के मैंने ये ली है, ये मैंने पैक करवाई हुई है। ठीक है, ये ले लिया मैंने, 2 कप है मेरे पास। ठीक है, आप लीटर वाला एक पैक भी ले सकते हैं। 2 बनाना ले लिए मैंने। ठीक है, अब इसको बनाना स्टार्ट करते हैं, हम चलते हैं। सबसे पहले जेली रेडी करते हैं। 4 से 5 टेबल स्पून मैंने चीनी के लिए हैं, चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं, जितनी आपको पसंद है। ठीक है, क्योंकि इनमें भी मीठा होता है, कॉकटेल में भी और आइसक्रीम भी मीठी होती है, इसलिए मैंने चीनी ज़रा कम ली है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। पानी हमारा पकने लग गया, इसके अंदर सेवैयाँ ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बस इसके अब बॉयल आने देंगे और इसको निकाल लेंगे। फिर हम फौरन नहीं निकालेंगे, थोड़ी देर इसी पानी में पड़ी रहने देंगे। ठीक है, अब इसको बॉयल आने देते हैं और चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। चले जी, अब हम अपनी जेली रेडी कर लेते हैं और चलते हैं अपने पैन की तरफ। आपको जौन सा फ्लेवर पसंद हो आप ले सकते हैं, तो इनका कलर बहुत अच्छा आता है। अगर आप 3 से 4 कलर लेना चाहते हैं तो आप वो भी ले सकते हैं। पानी ले लिया है मैंने, इसका 1/2 कप लिया है। आपके पास जो भी नॉर्मल कप हो घर में चाय वाला आप वो ले लें। तो अब इसको पानी को बॉयल आने देना है, इसमें जेली फ़ौरन नहीं ऐड कर देनी, जब इसको बॉयल आएगा तब ऐड करना है, जब पानी में बबल्स बनने लग जाएंगे। अभी ये पानी गर्म नहीं हुआ है, देखें पानी में बबल्स बन गए हैं। इसमें एक फ्लेवर ऐड कर देंगे, इसको पकाएंगे हम 2 से 3 मिनट। जब ये थिक होने लग जाएगा तो फिर हम इसको उतार लेंगे, जब इसकी थिकनेस आ जाएगी। जब आपको लगे ये पैन के साथ चिपक रहा है तो फिर आप उतार लें इसको। ठीक है, इसी तरह हम दूसरा फ्लेवर रेडी करेंगे। ये देखें इसको में थिकनेस आ गई है, अब इसको ये रेडी है, इसको उतार लेते हैं और अपना दूसरा फ्लेवर भी इसी तरह रेडी कर लेते हैं। उसी तरह सेम 1/2 कप पानी का ले लेंगे, आप चाय वाला 1/2 कप पानी का ले लीजिएगा। इसमें रेड जेली ऐड कर देंगे अब, और इसको भी इसी तरह सेम पका लेंगे जिस तरह हमने वो पकाई थी। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। ये भी रेडी हो चुकी है, इन दोनों को निकालते हैं बॉल में। ये देखें येलो वाली मैंने पहले निकाल ली है और अब मैंने रेड वाली भी निकाली है। देखें येलो वाली मैंने पहले की डाली हुई है और ये जमने की तरफ चली गई है, ये थिक हो चुकी है। अब ये जब रूम टेम्परेचर पे आ जाएगी तो फिर हम इसको फ्रिज में रख देंगे, फ़ौरन से नहीं रख देंगे, जब ये रूम टेम्परेचर पे आ जाएगी तो फ्रिज में रख देंगे। दूध को मैंने गर्म कर लिया है, इसको बॉयल आ गया, अब इसके अंदर चीनी शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और चीनी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा फैमिली एंड फ्रेंड के साथ, और मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ये आपकी तरफ से इनाम होता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। चीनी को हल कर लें ये 2 से 3 मिनट के लिए, और अगर आप कोई चीज़ सीखना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताया करें, ताकि मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर सिखाऊंगी जो भी आप कहेंगे। कस्टर्ड मिक्स करते हैं इसके अंदर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थोड़ा थोड़ा डाली जाएंगे और हलाई जाएंगे इसको, बिस्मिल्लाह, ताकि इसके अंदर कोई लम्स ना बने। इसकी पकाई करेंगे अब 3 से 4 मिनट। वो हाथ का यूज़ मैंने इसलिए किया था कि मैं एक हाथ से डाल रही थी। इसको मिक्स करते हैं,
अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी से जाके कर लें, ताकि आपको आने वाली मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। ये देखें कस्टर्ड हमारा रेडी हो गया है। तो यहाँ पे आपने ऐसे करना है, इसकी अच्छी तरह से पकाई करनी है। कस्टर्ड पाउडर डाल के तो लोग इसकी पकाई नहीं करते, तो फिर इसमें कच्चापन रह जाता है, कच्चेपन का फ्लेवर आता है, तो फिर वो अच्छा नहीं लगता। ठीक है, ये एक अहम बात थी जो मैंने कहा मैं आपको बता दूं। अच्छी तरह से कस्टर्ड पाउडर डाल के आपने इसकी पकाई करनी है, ठीक है, ताकि इसका कच्चापन खत्म हो जाए, इसमें स्मेल ना आए। ठीक है, ये पक गया है, इसको रूम टेम्परेचर पे आने देते हैं और चलते हैं अब इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ये देखें जेली हमारी सेट हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें बिल्कुल नहीं ये गिर रही, इसका मतलब ये सेट हो चुकी है, ये भी बिल्कुल सेट हो गई। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं, पहले एक ही कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको पीसेस कर लेंगे हम। चल ठीक है, ये सेट हो चुकी है हमारी। अब दूसरी भी इसी तरह कर लेंगे ऐसे, फिर ऐसे, तो फिर ऐसे। ठीक है, फिर ऐसे ऐसे उठा लेंगे इसको। माशाल्लाह ये देखें कितनी अच्छी इसकी ये कटिंग हुई है हमारी, और ये सेट भी हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें, चलें अब चलते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ। इसको यहीं पे छोड़ दें। चले जी, अब इसमें रंगीन सेवैयाँ शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो मैंने बॉयल की थी आपके सामने, मिक्स कर लेंगे इनको अच्छी तरह से हम। ये देखें अच्छी तरह से मिक्स कर ली मैंने। अब इसके अंदर अगली चीज़ ऐड करते हैं। देखें कितनी अभी से कलरफुल आ रहा है, इसका कलर कितना अच्छा लग रहा है। बनाना शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़े से बादाम शामिल कर देंगे। जौन सा ड्राई फ्रूट आपको पसंद हो आप शामिल कर सकते हैं। किशमिश और इसे शामिल कर देंगे इसमें। कॉकटेल शामिल कर देंगे, 2 से 3 टेबलस्पून मैं इसमें शामिल करूंगी। आपको जितना पसंद हो आप उतना शामिल कर सकते हैं। इसका पानी हमने इसमें शामिल करेंगे, ये फ्रूट ही शामिल करेंगे बस। अगर आपके पास फ्रेश फ्रूट हो तो आप वो शामिल कर लें, ठीक है, अगर नहीं हो तो ये ले लें आप। ये भी शामिल हो गया। अब इसके अंदर नेक्स्ट चीज़ ऐड करते हैं, जेली। बिस्मिल्लाह, हाफ़ में शामिल करूंगी, हाफ बचा लूंगी। इसी तरह रेड वाली भी शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाह, इसकी कटिंग देखें आप कितनी अच्छी हुई है माशाल्लाह। आइसक्रीम शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डाल देंगे, देखें डल गई है। चल सारी आइसक्रीम में इसी तरह शामिल कर, आइसक्रीम से इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। और अच्छा, कुछ लोग इसमें गुलाब जामुन भी शामिल करते हैं, अगर आपके पास वो हो तो आप वो भी शामिल कर सकते हैं। गुलाब जामुन भी शामिल करते हैं आप, वो भी कर सकते हैं शामिल। और क्रीम भी शामिल करते हैं, अगर आप इसमें क्रीम शामिल करना चाहते हैं तो आप क्रीम शामिल कर लें। चलें अब इसको मिक्स करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह देखें इसकी लुक कितनी अच्छी आ रही है, और ये ठंडी हो के सर्व होती होती है। ठीक है, अब इसको डिश आउट करते हैं और चलते हैं इसकी फाइनल लुक की तरफ। एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे। अगर किस किस के मुंह में पानी आ रहा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि किस किस को ये अच्छी लगी है। चलते हैं इसकी फाइनल लुक की तरफ। इस तरह इसके ऊपर साइडों पे जेली लगा देंगे, ताकि जब आप मेहमानों को सर्व करें तो आपकी तारीफ़ करें। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, और ट्राई करके मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है। ये देखें कितनी अच्छी लुक आ रही है। थोड़ी सी इसी तरह मैं येलो भी रख दूंगी। ये जेली मैंने इसीलिए बचाई थी ताकि हम इसके ऊपर गार्निश कर सकें। माशाल्लाह ये देखें, ये जनाब इसकी फाइनल लुक देखें कितनी अच्छी इसकी लुक आ रही है माशाल्लाह। और कलरफुल ये कितनी बनी है, और कलरफुल ये देखें कितनी बनी है अल्हम्दुलिल्लाह। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, और ट्राई करके मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है ये रेसिपी आपको कैसी लगी, और जिनकी डिमांड थी वो खुश हो जाए। और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, और मुझे ट्राई करके बताइएगा आपके गेस्ट टाइम कैसे सर्व करिएगा, और सर्व करके सॉरी सर्व करके कह दिया बना के मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।
मैंने इस रेसिपी में बहुत मेहनत की है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और लाइक करिएगा, और मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसी के साथ हम अपनी वीडियो एंड करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा और जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कर दिया तो आपका शुक्रिया। ये ठंडी करके सर्व होती है, और ठंडी करके सर्व करिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।